लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद एसपी सिटी कार्यालय पर आयोजित वार्ता के दौरान नवागत पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने वार्ता के दौरान बताया कि थाना लाइन पर एसओ संजय सिंह संग उनकी टीम ने 4 अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो आगरा में वारदातों को करने के बाद यहां लाकर उसका माल खपाते थे। बरामदगी में चोरी की 4 मोटरसाइकिल स्कूटी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना लाइन पर एसओ संजय सिंह, एसआई छत्रपाल सिंह, एसआई अनिल कुमार, कांस्टेबल गीतम शर्मा, राकेश कुमार संग कई लोग शामिल रहे। जो लाइन पर ने अपनी टीम के साथ ये 4 मुजरिमों की गिरफ्तारी करी है, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जिसमें 3 मुलजिम आगरा के रहने वाले हैं, अमेश, वीरेंद्र, हरकेश, और इसके साथ में एक जितिन नाम का लड़का पकड़ा गया है जो यहाँ फिरोजाबाद का रहने वाला है। इन 4 मुलजिमों के कब्जे से 3 बाइक्स और 1 स्कूटी बरामद हुई है। जो जानकारी की गई उसके हिसाब से ये आगरा शहर में वारदात करने के बाद में यहाँ ला करके उनको खपाते थे, बेचते थे, और यहाँ से चोरी करने के बाद में आगरा शहर में खपाते थे। तो इस तरीके से इसके 4 मुलजिम अभी गिरफ्तार हुए हैं, 4 बाइक्स और स्कूटी बरामद हुई हैं। अभी हम इनको इंटरोगेट कर रहे हैं, जो इनके बाकी साथी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो आगरा शहर में और जो फिरोजाबाद में, इसके अलावा भी कोई यदि इन्होंने चोरी की वारदात करी है उसको भी वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, या फिरोजाबाद से हटके भी कहीं और दूसरी अन्य जिलों में भी इस तरह की वारदात दी है क्या उन्होंने? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया, ये अभी 2 जिलों के बारे में पता चला है। आगरा में विशेष रूप से न्यू आगरा थाना क्षेत्र में इन्होंने 3 वारदात करी है जो कनेक्ट हुई है, और अभी 1 वारदात हमारे यहाँ कनेक्ट हुई है। इसके अलावा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर इन्होंने कहीं और वारदात करी और भी साथी हैं तो वो गिरफ्त में आए।